नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वसई विरार जिला कांग्रेस ने क्षेत्रवासियों में पर्चे बांट, मोदी सरकार के कार्यकाल की खोली पोल, चलाया जन जागरण अभियान। आज 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर वसई में कांग्रेस के राजेश गोलप, सह प्रभारी सचिव महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस, कैप्टन नीलेश पेंडारी सचिव महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस, अनिल अलमेड़ा जिलाध्यक्ष वसई विरार शहर, प्रकाश पाटिल जिला कार्याध्यक्ष, बीना फोर्टाडियो वसई अध्यक्ष, नितिन उबाले विरार अध्यक्ष, रामदास वाघमारे SC ST सेल जिलाध्यक्ष, रतन तिवारी जिलाध्यक्ष सेवादल, प्रवीणा चौधरी महिला जिलाध्यक्ष, हर्षद डाबरे अल्पसंख्यक सेल जिलाध्यक्ष, राधा अय्यर नवगर मणिपुर अध्यक्ष, किरण शिंदे कार्यालय सरचिटनीस आदि सभी नेताओं ने वसई तहसील क्षेत्र के साथ ही दूसरे इलाकों में जाकर हर दुकानदार एवं आम आदमी को एक पर्चा जिसमें केंद्र की मोदी सरकार की विफलताओं का जिक्र किया गया है बांटकर लोगों में जन जागृति फैलाने का प्रयास किया। कांग्रेस पदाधिकारियों के इस कार्यक्रम के दौरान हमने उनसे कैमरे पर बयान लिया जिसमें कांग्रेस नेताओं ने अपने क्या विचार रखे वह देखिए आप आगे वीडियो में। ब्यूरो रिपोर्ट सेफ न्यूज लाइव। सर आज आप एक विशेष तरीके का पैम्पलेट बांट रहे हैं, क्या है इसके बारे में? नहीं, आज अभी संविधान दिन है, बाबा साहेब अम्बेडकर के स्मारक को हम अभिवादन करके ये जो जन जागरण अभियान हमारा है इसमें एक लीफलेट हम बांट रहे हैं जिसमें बीजेपी ने जो झूठे वादे किए थे 2014 में सत्ता हासिल करने के लिए और लोगों को जो गुमराह किया था उसके बारे में लिखित स्वरूप में इस पत्रक में लीफलेट में लिखा हुआ है कि बीजेपी ने अपने झूठे वादे कैसे किए थे और जो भी वादे रोजगार देने के लिए किए थे वो भी पूरे नहीं कर पाए। किसानों के काले कानून जो लाए हैं वो अडानी अंबानी के लिए लाए हुए हैं। नोटबंदी जो की थी, तीनों टाइम, नोटबंदी के टाइम, किसानों के विरुद्ध जो काले कानून है उसके टाइम और कोरोना के टाइम, तीनों टाइम हमारे नेता राहुल जी गांधी ने सरकार को उजागर किया था मगर उनका मजाक उड़ाया। बाद में राहुल जी गांधी ने जो बोला था वही सही हुआ, उनको काले कानून वापस लेने पड़े। देश की आर्थिक स्थिति खराब हुई है नोटबंदी के कारण जो आज तक लेवल पे आ नहीं चुकी, यही है पत्रक में लिखा हुआ है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। संविधान ने जो अधिकार दिया है लोगों को ये अधिकार कुचलने की बात बीजेपी सरकार करती है, जो हमने कश्मीर में देखा, जो हमने किसान आंदोलन में देखा, जो हमने नोटबंदी के टाइम देखा, लोगों से पैसा निकालने का काम किया और इकोनॉमी की बर्बादी की, यही इस पत्रक में लिखा हुआ है और यही हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये पत्रक स्थानीय लेवल पे है या आगे भी बड़े लेवल पे? नहीं नहीं, ये पत्रक में जो मुद्दे है राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे है मगर ये पत्रक हिंदी में लिखा हुआ है। पूरे वसई विरार में हर एक वार्ड में हर एक घर में हमारे ये पत्रक देने की कोशिश रहेगी कि जो मनमानी कारोबार बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में करती है ऐसा ही मनमानी कारोबार वसई विरार में जो राज्य करते हैं उनका है, तो इसके लिए लोगों को उजागर होके मनमानी करने वालों को सत्ता के बाहर रखने के लिए ये पत्रक हम लोगों के लिए दे रहे हैं। आपने अभी वसई विरार में राजनीति की बात की, तो वसई विरार बहुत जल्दी वसई विरार में चुनाव आने वाले हैं, तो क्या इसको चुनाव की पूर्व तैयारी समझा जाए? नहीं, चुनाव के लिए 4-5 महीने बाकी है, अभी प्रभाग रचना का डिक्लेरेशन हो रहा है, आज ही टाइम है अपने को लोगों को उजागर करने के लिए। लोगों को मालूम है क्या मनमानी हो रही है मगर लोगों के बीच में जाके उनको ताकत देना, उनको हिम्मत देना, जो भी अन्याय हो रहा है लोगों को सामने आके उनके साथ बात करना और प्रशासन के तरफ जा पे उनका जो प्रॉब्लम है सॉल्व करने की कोशिश वसई विरार जिला कांग्रेस की तरफ से हमारी रहने वाली है। नॉर्मली प्रदेश कांग्रेस ने कार्यक्रम दिया था कि 14 तारीख से लेकर 29 तारीख तक जन जागरण अभियान, इसमें क्या मोटिव है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो जो वादे किए थे पावर में आने से पहले आम जनता को क्या बोला था कि 15 लाख आपके खाते में डाल देंगे, GST नोटबंदी करेंगे तो आतंकवादी हल्ले कम हो जाएंगे, 2 करोड़ युवाओं को हम लोग रोजगार देंगे। 7 साल से ये लोग सत्ता में, कहाँ पे 14 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है, उल्टा जितने भी लोग थे वो बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो ये कॉमन जन जागरण क्या है कि लोगों के बीच में जाके हम बोलना चाहते हैं कि जो वादे कॉन्स्टिट्यूशन, आज संविधान दिन है और संविधान के दिन में क्या क्या बोला गया था, अन्न वस्त्र निवारा, औषध रोटी मकान, ये सब बातें होती है साथ सिंबॉलिक, जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया, हर
भारतीय नागरिक को ये चीजें मिलनी चाहिए। क्या वो मिल रही है? तो नहीं मिल रही है। तो यही मौका है, इसका हमने पूरे महाराष्ट्र में हर जिले में प्रोग्राम, हम हर जगह जिला कांग्रेस कमेटी ये कर रही है कि लोगों को घर घर जाके ये बोला जा रहा है। अभी जैसे जिला अध्यक्ष ने बताया कि कृषि कानून की खासकर बात करें तो कृषि कानून जो लाए उसका बहुत विरोध हुआ, लेकिन अभी फिलहाल कृषि कानून को वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये क्या आने वाले यूपी चुनाव के मद्देनजर चुनावी स्टंट है कि इसमें सरकारी मंशा के बारे में? देखिए, इसमें कृषि कानून में राहुल जी स्टार्टिंग से बोल रहे थे, उन्होंने जीएसटी के अगेंस्ट भी बोला था, कृषि कानून के आगे से भी बोला था राहुल जी ने कि ये कानून लोगों के हित में नहीं है। जो अभी उन्होंने प्रोसेस चालू की है तो ये प्रोसेस हो, अभी जनता का इतना प्रेशर है और जो यूपी और वहाँ का पंजाब का जो इलेक्शंस है उसे मद्देनजर रखते हुए शायद ये बीजेपी की पॉलिसी हो सकती है कि वहाँ के लोग वहाँ वो हार ना जाए, इसके लिए उनका ये स्टंट रहेगा। लेकिन जनता मानेगी नहीं, उनको ये कृषि कानून पीछे लेने पड़ेंगे। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।